आज हम आए हैं मॉम्स एकेडमी, जहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे द टीचर्स डे, यानी टीचर्स डे मनाया जा रहा है। ये एकेडमी है जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खोली गई है, जिसमें क्लास नर्सरी से लेकर क्लास फिफ्थ तक बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। और इसके अंदर बच्चों के लिए ख़ास तौर पर नर्सरी और KG 1, KG 2 और प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए मौजूद है। तो हम आज व्लॉग बनाएंगे द मॉम एकेडमी में, और वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे मनाया जा रहा है टीचर्स डे। बेसिकली ये स्कूल जो है या ये एकेडमी जो है, ये जैसे कि आप लोग जानते हैं वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर के ऑनर आतिफ इम्तियाज़ के फाउंडेशन में बनी है। उन्होंने बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म फरहम किया है जिसमें नेचर है, आर्ट है, प्ले है, यानी कि इसके अंदर लीडर्स ऐसे बनेंगे जो कि आर्ट, नेचर और दुनिया की मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों को सीख सकेंगे, जिसमें के आपके बच्चों की बहुत सी एबिलिटीज़ खुलकर आपको बताएंगे कि आपका बच्चा इन फ्यूचर क्या बन सकता है। इसके अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिससे आपके बच्चे की तालीम को ग्रो होने में, उनकी नॉलेज को ग्रो होने में बहुत मदद मिलेगी। डे केयर, प्री स्कूल, एलिमेंट्री एंड आफ्टर स्कूल, TMA मेंबरशिप के साथ। देख रहे हैं, इसका भी एक पर्पस है। कलरफुल इन्वायरमेंट बच्चे की सोच को भी ऐसे ही कलरफुल बनाता है जैसे इस वक्त आप इस इन्वायरमेंट को देख रहे हैं। कलरफुल इन्वायरमेंट अट्रैक्शन है बच्चों के लिए और उनकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए। कलर इंसान को बहुत कुछ सीखने में मदद करते हैं। जैसे यहाँ पर रेड लिखा हुआ है और रेड की क्या क्या खसूसियात है वो भी उन्होंने इसमें मेंशन की हुई है। इसी तरह ग्रीन हमारे बच्चों में कौन कौन सी सोच को डेवलप करता है और उनके अंदर कौन कौन से जज्बों को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ब्लू देख लीजिए, ब्लू का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसको यहाँ डिफाइन किया गया है। और येलो देखिए किस चीज़ को इन्हेंस करता है इंसान और बच्चे की सोच में। कलरफुल इन्वायरमेंट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। उसके साथ साथ अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग और बच्चों के साथ उनकी साइको को समझते हुए उनको तालीम देना मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर उस मुल्क के लिए जहाँ पर अभी अवेयरनेस इस लिहाज से इतनी नहीं है के बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उनकी सोच के साथ, उनकी समझ के साथ, उनकी अच्छाई और बुराई को देखते हुए कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, तालीम को उनको करीब करना चाहिए, उनको तालीम से करीब करना चाहिए, ना कि आप उन पर किताबों का और उस चीज़ का बोझ डाल दें जिसके वो अहल नहीं हैं। इस एकेडमी में
आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जिससे आपके बच्चों को अच्छे से तालीम के साथ इन्वॉल्व होने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बेहतरीन मैनेजमेंट, बेहतरीन टीम, क्वालिफाइड टीचर्स, ट्रेंड मॉन्टेसरी प्रैक्टिस, जिस चीज़ का एक अच्छे स्टूडेंट को एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। मैरिश आप क्या कहती हैं, क्या आप जल्दी से इधर आए और देखिए हमारा स्कूल। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि हर डे बन रहा है, टीचर्स डे बनाना उतना ही अच्छा है ताकि बच्चों के दिमाग के अंदर इस बात को इन्हेंस किया जाए कि टीचर्स पूरी दुनिया के लिए पिलर होती हैं किसी भी प्रोफेशन को बनाने के लिए। टीचर से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स बनते हैं और उनका डे मनाना उनका हक है और वो आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। एकेडमी को रन करने का ए अटेंट पीसफुलनेस और रिस्पेक्ट आई एंट्री रिट्री सेल्फ डिसिप्लिन और एक्सलेंस, यानी हमें अपने बच्चे को अरेस करना है इन एबिलिटीज के साथ। ओके और हमने देखा कि कितनी अच्छी तरीके से इस वक्त क्लास को हैंडल किया जा रहा है माशाल्लाह से। SOPs के हिसाब से अलग अलग बच्चों को बिठाया गया है, टीचर पूरे अपने ध्यान के साथ बच्चों को इस वक्त जो है इंगेज कर रही हैं, ठीक है। और दूसरी क्लास में जो है वो आर्ट का एक काम कराया जा रहा है। इसी तरह इस स्कूल में स्ट्रेंथ का बहुत ख्याल रखा जा रहा है ताकि SOPs में कोई मसला ना आए। बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोगों को कैसे लग रहा है स्कूल का व्लॉग? वी आर अ शार्प बंच।
absolutely sharp bunch of our nation. इस वक्त जो है सेलिब्रेशन के लिए तैयारी हो रही है टीचर्स डे के, और बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त बच्चों को जो है वो इंगेज किया जा रहा है इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि टीचर्स के हवाले से बनाया जा रहा है। ज़बरदस्त एंट्रेंस, एंट्रेंस में आप जब आते हैं तो आपका एकदम से जो है ना जहन फौरन उसको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट इस तरीके से क्रिएट की गई है कि अंदर आने वाला इस एनवायरनमेंट को देखकर एकदम से इंस्पायर होता है कि स्कूल की एनवायरनमेंट इस तरह की हो तो क्या बात है। और फिर बच्चे ऐसे एनवायरनमेंट में बहुत इंजॉयमेंट महसूस करते हैं, बहुत इंजॉय महसूस करते हैं करने में कि इतनी कलरफुल एनवायरनमेंट जो कि बच्चे की नीड है। ख़ास तौर पर नर्सरी और प्ले ग्रुप के बच्चों को इस तरह के एनवायरनमेंट में अगर आप लोग एडमिशन कराएं तो वो बच्चों की ग्रो में बहुत मदद करेगा। कलर इन्हेंस जो है वो बच्चे की ग्रो में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ये पूरी एनवायरनमेंट कलरफुल है, कलर्स से भरी हुई है, अट्रैक्शन है। इसके अंदर पैड्स भी रखे हुए हैं जिसमें कुछ बर्ड्स हैं, पिजन्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी शुरू में दिखा दिया था। म्यून जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है बच्चों में, उस करैक्टर को लाया गया है। बेटा देखो उठाओ, गिर गया। ये देखिए ये म्यून कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और ये बच्चों को वेलकम करने के लिए खड़ा है कि बच्चे से अट्रैक हों। और इस वक्त बच्चे इससे बहुत खुश हो रहे हैं और अपनी रिसेस को एंजॉय कर रहे हैं। टेंट हाउस है, बॉल टेंट हाउस है, और स्लाइड है बच्चों के लिए, और बास्केटबॉल है छोटी सी बच्चों के लिए। और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त वर्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, प्ले हैप्पी लर्न पेंट क्लाइम एक्सप्लोर क्रिएट जंप सिंग ग्रो, ये सब वो एक्शन वर्ड्स हैं जो हम बच्चों को उनकी समझ के हिसाब से उनको प्रोवाइड करते हैं। क्या बच्चे को खेलने के लिए उसको प्रोवाइड किया जाए, उसको क्या चीज़ लर्न के लिए दी जाए, किस तरीके से उसके मोटिवेशन को उसके स्किल्स को डेवलप किया जाए कि वो अच्छे से मेंटली भी ग्रो हो और फिज़िकली भी ग्रो हो। रीड कैसे की जाए, बुक्स की रीडिंग का कैसे शौक़ बच्चों के अंदर डेवलप किया जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ भी है जिसको बच्चे बड़े शौक़ से आजकल देखना और सुनना चाहते हैं, वो है म्यूज़िक। यहाँ पर वीडियो और ऑडियो दोनों एनवायरनमेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं बच्चों को। देखिए आपके सामने ये LED लगी हुई है, उसके साथ जो है वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है ये, और नीचे देखिए आप, तो ये फुल एनवायरनमेंट दिया जाएगा बच्चों को पोएम वगैरह लर्न करने के लिए, ताकि बच्चे इससे लाइव अट्रैक्ट हों। ये वो वाली अट्रैक्शन नहीं है कि आपने ऑडियो में बजा दिया या सेल फोन में बजा दिया, बल्कि ये लाइव बच्चों के सामने पेश किया जाएगा, जिससे बच्चों को और खुशी होगी कि ये उनके सामने जो है लाइव उनको म्यूज़िक और पोएम के ऊपर लाया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों को मुख्तलिफ स्टोरीज़ दिखाई जाएंगी, मॉरल फुल स्टोरीज। बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो जा रही हूँ यहीं पे रहते। हाँ, बच्चों का यही है कि इस जगह आने के बाद बच्चे ये नहीं कहेंगे कि घर कब जाना है, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट ऐसा दिया जा रहा है कि बच्चे यहीं पर रहना पसंद करेंगे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे कितना खुश हो रहे हैं म्यून के साथ, और अपने कमेंट्स भी इसको कर रहे हैं, वेरी नाइस। ये क्या है आपको पता है क्या है? ये म्यून है। आपको अच्छा लगा ये? आपको अच्छा लगा? अरे वाह, मज़ा आ रहा है आप लोगों को, वेरी नाइस। आप लोगों ने गेम खेले? वेरी गुड। देखें बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसी है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो बच्चों के हिसाब से बनाई गई हैं, और उसके जो वर्डिंग दी गई है ना उसको एक्सप्लेन तक किया गया है। स्टैम्प स्नैप, इसको उन्होंने पूरा
एक्सप्लेन किया है कि इन दोनों जो वर्डिंग इन्होंने सामने रखी हैं उसका क्या पूरा मतलब है, वो आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और यही एनवायरनमेंट हम देंगे बच्चों को लर्न करने में, उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ को इन बेहतर बनाने में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्विक्स के ही फाउंडर जो हैं आतिफ इम्तियाज़ के ने इस एकेडमी को जो है आपके और आपके बच्चों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ पैट्स के बारे में भी शोज़ करते हैं जिससे बच्चों को उनकी अवेयरनेस दी जाती है कि अगर आपको किसी पैट को रखने का शौक़ है तो उसको किस तरह से रखना चाहिए। ठीक है, हमारे इस मिनी ज़ू का हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए कि उनको एजुकेशन दी जाए, उसमें उनको उनको बताया जाए कि अगर आपको किसी एनिमल को रखना है तो उसको किस तरीके से रखना चाहिए। और ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा एक मिनी ज़ू है जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें भी सीखने को मिलेंगी। और इसमें हम स्कूल में भी बच्चों के लिए ऐसे शोज़ ऑर्गेनाइज़ करेंगे जिसमें पैट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो कि बहुत से स्कूलों में अलग से होती है, लेकिन क्योंकि आतिफ भाई का यहाँ पे अपना ज़ू है तो इस वजह से इस स्कूल के अंदर इस चीज़ की भी सहूलत है कि यहाँ पे मुख्तलिफ शोज़ होंगे और बच्चों इस शो में बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत सी नॉलेज गेन करेंगे जो वो किताबों से नहीं कर सकते। बोलो ये है पाइथन। ये हैंड टेम पाइथन है, इसमें हम आप इसको इससे आप सेशन भी ले सकते हैं, करा सकते हैं। इंटरनेशनल मॉन्टेसरी काउंसिल से एफिलेटेड हैं, ठीक है, इनका कोर्स इनके हिसाब से जो है बनाया गया है, इनका कैरिकुलम। एडमिशन गोइंग ऑन माशाल्लाह से, जैसे आप देख रहे हैं। बस अब थोड़ी देर में यहाँ पर टीचर्स डे बनाया जाने वाला है, हम उसकी कवरेज करेंगे। मॉम्स एकेडमी की मेरी फ्रेंड है आबिया। आबिया, आपको कैसा लगा मॉम्स एकेडमी? बहुत ही अच्छा। मज़ा आता है आपको यहाँ पे? यहाँ फन होता है? बहुत फन होता है। और क्या क्या करते हो आप यहाँ पे? बहुत मजे करती हूँ। पढ़ाई भी करती हैं और फन भी करती हैं। वेरी नाइस। तो मैरी शाह क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा?
बहुत अच्छा। और अभी तो सेलिब्रेशन होने वाली है ना, किस चीज़ की? टीचर्स डे की, है ना? तो मज़ा आने वाला है, अभी देखते हैं कैसा मज़ा आता है ना। आपको मज़ा आ रहा है जी? बहुत मज़ा आ रहा है। अरे वाह, आपका क्या नाम है? आपको मज़ा आ रहा है स्कूल में? हाँ, आपने क्या बनाया है? बिल्ली बनी है। वाह, कितनी प्यारी बिल्ली बनी है भाई। फेस पेंटिंग हुई है यहाँ पर बच्चों के चेहरे पे, और बच्चे बहुत मज़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे सेलिब्रेशन होगी, तो हम आपको दिखाएंगे द टीचर्स डे की। बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो हम हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी फुल इंफॉर्मेशन आपको
हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको कुछ भी इस एकेडमी के बारे में, एडमिशन के बारे में, या इसके जो भी आपको सर्विसेज के बारे में मालूम करना है, तो वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद फ़ोन नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप इस एकेडमी में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा सकते हैं। और आपने आज इस एकेडमी में जो सेलिब्रेशन थी टीचर्स डे की, वो भी हमने आपको कवर करके दिखाई और स्कूल भी कवर करके दिखाया और बच्चों की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी दिखाई। अब बच्चों की ऑफ टाइम हो गया है, तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बोलो अल्लाह हाफिज़।